इतने सारे बच्चे कर लिए, कैसे पालोगे इन्हें? कैसे पालोगे इन्हें? नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों फिलहाल हम तो स्वस्थ और मस्त नहीं हैं, लेकिन आप सब होंगे। जैसा कि आपको मैं बता दूं दोस्तों कि अभी कुछ दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था और जिससे कि मुझे काफ़ी गंभीर चोटें आईं। आप लोगों के दुआओं की वजह से और पता नहीं परिवार में किसकी वजह से हम जिंदा हैं आज। दोस्तों काफ़ी चोट आई थी, काफ़ी गंभीर चोटें थीं। उसके कई दिनों बाद मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ जब मैं चोट से उभरा हूँ। हालांकि चोट अब भी काफ़ी चोट है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं एक वीडियो शूट कर रहा हूँ क्योंकि मेरा पहला पेमेंट आ गया है। दोस्तों कुछ लोग पूछते थे कि आपका पहला पेमेंट कब आएगा या पहला पेमेंट कितना आया है, तो आपको बता दूं कि मेरा फर्स्ट पेमेंट जो है यूट्यूब की तरफ से आ गया है। कुछ जो मेरे चाहने और जानने वाले हैं वो ये कहते थे भैया आप ये जो रोज़ वीडियो बनाते हो इससे आपको क्या लाभ मिलता है, तो उनके लिए बता दूँ कि यूट्यूब से पैसा मिलता है, जो कि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि मुझे कितना पैसा मिला और कितने दिनों बाद मिला। दोस्तों जो भी मेरे जानने वाले हैं उनसे कहना चाहूँगा कि दोस्तों जो भी मेरे शुभचिंतक हैं उनसे भी कि मुझे अब YouTube की तरफ से पैसा मिलने लगा है और आज का मेरा फर्स्ट पेमेंट इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊँगा कि मुझे फर्स्ट पेमेंट कितना मिला है। उससे पहले अभी हम जा रहे हैं बैंक और बैंक जाने के बाद वहाँ से पैसा कलेक्ट करते हैं कितना मिला है। बैंक जाने के बाद अब हम देखेंगे कितना पैसा हमारा आया है। हालांकि मुझे मैसेज प्राप्त हो गया है, मैसेज को मैं नहीं मानता क्योंकि क्या पता नहीं कितना टैक्स भी इसमें कटता है जो गवर्नमेंट को देना पड़ता है। ये जो पैसा होता है यूएसए से आता है, यूट्यूब की तरफ से, अमेरिका से, लेकिन डॉलर में आता है, यहाँ आने के बाद रुपया में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसका हमें यहाँ पर सर्विस टैक्स भी इसका देना पड़ता है। और मेरा बेटा साथ में, मेरा बेटा उदय, जैसे कि आप जानते होंगे कई वीडियो आपने देखा होगा, ये मेरा बड़ा बेटा उदय। और ये देखिए हमने बैग ले रखा है, ये बैग है देखिए, इसमें हम पैसे रखे लाएंगे। उसका कारण ये है कि मैं पैंट नहीं पहने हुए हूँ, उसमें पैसे हम कहाँ रखें, पैसा भी मतलब पेमेंट भी अच्छा खासा है और पैसा हम कहाँ रखेंगे, क्योंकि मेरे पैंट इसलिए नहीं पहन पाया हूँ कि मेरे काफ़ी चोटें हैं। तो दोस्तों अभी सबसे पहले आपको मैं वीडियो के माध्यम से आपको दिखाऊँगा कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो वो कहाँ हुआ था और कितना मतलब चोटें आई। ये देखिए ये मेरे चोट के निशान आप देख पा रहे हैं, अभी ठीक से ठीक नहीं हो पाई है सही से, और ये चोट के निशान है यहाँ पर। इसी प्रकार से मेरे पैर में काफ़ी चोट है अभी, वो भी आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पाते कि मेरे पैर में चोट, एक देखिए चोट ये है, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया जाता है, ये लग गई थी और उसके बाद में आपको बता रहे हैं ये देखिए अभी काफ़ी चोटें ठीक हो पा रही हैं, ये थोड़ा थोड़ा ठीक हो पा रही हैं। और ये यहाँ पर भी चोट है ये, और इस पैर में भी चोट आई थी, यहाँ पर देख सकते हैं आप ये चोट एक ये है, यहाँ पर ये चोट है, काफ़ी चोटें इस प्रकार से आई हैं। चोट देखिए हाथ में भी है, ये देखिए हाथ में भी काफ़ी गंभीर चोट थी, ये काफ़ी चोट थी, और इन हाथों में ये चोट के जो निशान आप देख पा रहे हैं ये भी चोट के निशान हैं। इस प्रकार से ये देख सकते हैं चोट के निशान इस प्रकार से हैं। और इसकी इस चोट की वजह से आपको बता दें, ये जो चोट है आपको दिखाई दे रही है, इस चोट की वजह से हमें पेंट नहीं पहनने में दिक्कत हो रही है क्योंकि ये चोट दुख जाती है, इसलिए हम ये गमछा लपेटे हुए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने ये यहाँ दिखा होगा, ये देख सकते हैं आप, हम यहाँ पर हमने ये गमछा लपेट लिया है, इसी की मदद से हम अभी इसी हालत में बैंक जा रहे हैं क्योंकि मजबूरी है। तो फाइनली दोस्तों अभी हम पहुँच गए हैं बैंक में, ये है हमारा SBI बैंक जो कि हमारे गांव में ही है, और अभी हम बैंक के अंदर प्रवेश करेंगे फिर वहां से अपना पेमेंट। तो पहले दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं बैंक में और लंच का वक्त है, सभी कर्मचारी लंच में मस्त हैं और अभी हम वेट कर रहे हैं, क्यों होता है अभी लंच का टाइम है ना, तो सभी लोग लंच में मस्त हैं और हम इंतजार कर रहे हैं, बैठ गए हैं यहाँ पर, जब लंच ख़त्म हो जाएगा उसके बाद में यहाँ पर पेमेंट लेंगे, उसके बाद आपसे तो फाइनली दोस्तों अभी हम बैंक से आ गए हैं घर और हमारे साथ में है हमारा बेटा उदय। तो हम देखिए बहुत सारा सामान खरीद के लाए हैं और पैसा भी लेके आए हैं, क्यों ना उदय, हैं इस बैग में क्या है, पैसे हैं ना, किसे दोगे, मम्मी को दोगे, अच्छा कमाया हमने, मम्मी को देगा बहुत अच्छा लगा, तो ये देखो मम्मी को देगा वैसे ही, और इसमें क्या लाए, थैले में क्या लाए, और देखिए ये सामान लेके आए हम इसमें खाने के लिए, क्योंकि हमारे जो बेटा था उसने कह दिया था चीज लाना खाने को, ध्रुव आओ बेटा देखो ये आगे, ध्रुव तुमने क्या मंगाया था, क्या मंगाया था तुमने, देख गोलू आ गई, देखो सब सबसे मिलवाऊंगा अभी मैं आपको पूरे वीडियो में सबसे, देखो पैसे दो इन्हें पहले, हाँ दे दो पूरा बैग, दे दो इन्हें, ये देखिए ये रहा है बैग में पैसा है, तो सब निकाल के देखेंगे ना इसमें क्या है, देखो ये देखिए हमारी पत्नी पैसे निकाल रही है ये, और देखिए
अरे तेरी, इधर आड़ो ये कह रहा था छोटा बेटा, कह रहा अरे तेरी। अब अच्छा ये देखो, ये देखिए, ये निकालनी, ये और निकालो, और हैं, और भी हैं, और देखिए ये। तो दोस्तों आपको बता दें, ये सारा पैसा जो है हमारा यूट्यूब का है। देखो बेटे, देखो मम्मी को, देखो अपनी को, दो दो मम्मी, दो सारे पैसे, ये और दो। आपके सपोर्ट और प्यार की वजह से हमारी पत्नी के पास इतना पैसा है, और ये मेरा पूरा परिवार है। ये है मेरा बेटा ध्रुव, ये है मेरी बेटी गोलू, और ये है अप्पू, इसे प्यार के प्यार से कहते हैं, इसका नाम है कृष्णा। और ये है मेरा बेटा आशीष, और बेटा आशीष, ये मेरा बेटा आशीष, आपको बता दें, ये मेरा बेटा आशीष। तो दोस्तों आपको बता दें, मेरे 5 बच्चे हैं, और लोग मजाक बनाते थे कि क्या कैसे करोगे, इतने बच्चे कर लिए हैं। तो मैं आपको बता दूं, आपको प्यार और सपोर्ट की वजह से आज मुझे, जो आपने मुझे प्यार सपोर्ट दिया उसकी वजह से मुझे यूट्यूब ने बहुत सारा पैसा दिया। सब बताएंगे कितना पैसा, ये लगभग कितने सकते हैं सारा पैसा, दिखाओ कितना पैसा, दिखाओ हाँ, देखो कितने पैसे मेरी पत्नी के पास में। अभी हटो, ये बैठी हमारी धर्मपत्नी, दिखाओ पैसा, ये देखिए यूट्यूब का पैसा है, और किस प्रकार से हमारे में इतना पैसा मिला है। दोस्तों आज हम बहुत खुश हैं। सगुन तुम्हें कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। अच्छा लग रहा है? अरे तो अच्छा, तुम्हें उम्मीद थी इतना पैसा मिल जाएगा? नहीं बिल्कुल भी नहीं थी। देखो हमारी पत्नी रोने लगी, रोने वाली बात ही है, क्योंकि जब मैं वीडियो बनाने जाता था तो मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगता था। मतलब मैं जाता था तो बच्चे, मेरी बेटी कहती पापा तुम घर से मत आओ। क्या कहते अप्पू तुम? पापा घर से मत, बेटी आज चले जाए घूमने, आज अब चले जाए, अब तो कह रही घूमने चले जाओ। तो अब सगुन तुम्हें कैसा लग रहा है? आज बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना, हैं? उधर तुम्हें कैसा लग रहा है? उधर बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो पैसे हैं हमारे पास आज आपकी वजह से हमें मिले हैं, इतना पैसा हमें मिला यूट्यूब की तरफ से, केवल आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से है दोस्तों। लेकिन किसी के लिए ये पैसे होंगे कागज के टुकड़े होंगे, लेकिन ये हमारे लिए, हमारे बच्चों की रोटी है। ये देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं दोस्तों, इन्हें छोड़ करके मैं और घर से बाहर जाता था और वीडियो बनाने के लिए। लेकिन धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों के लिए कि आपने इतना प्यार और सपोर्ट दिया। तो सगुन अपना पैसा संभालो, और जो पत्नी जो होती है वो घर की लक्ष्मी होती हैं। जैसा कि हमारी माँ कहती थी, पहले जब मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं जो भी कमाई करता था माँ को देता था, शादी के बाद भी माँ को देता था, और अब जो भी कुछ हम कमाते हैं, जो भी कुछ आता है, वो अपनी पत्नी के हाथ में दे दिया हमने। माँ नहीं है तो पत्नी है, माँ थी तो माँ को पैसा दिया करते थे, आज जब हम जो भी कमाते हैं लाते हैं अपनी पत्नी के हाथ देते हैं, यही घर चलाती हैं। इंसान कितना भी कमा ले, कुछ भी कर ले, लेकिन जब तक पत्नी साथ नहीं देती तब तक घर नहीं चल सकता। वो इन्होंने किया है, क्या किया है मेरी पत्नी ने, और काफ़ी अच्छी हैं ये, और काफ़ी मेरा एक्सीडेंट हो गया था, काफ़ी देखभाल की, जो कि एक पत्नी का धर्म होता है, उस प्रकार से इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से निभाया। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है आज हमें। तुम्हें कितनी खुशी, बता नहीं सकती मैं आपको कितनी खुशी है। देखो कितनी खुश हो रही है ये, और हम अपने बच्चों के लिए खाने के लिए बहुत सारा सामान लेके आए आज, ये सब आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से हो पा रहा है। तो उदय अपना ये पैसा तो हम आपको बता दें, जो भी है, देखिए दोस्तों हम आपको बता दें, ये जो हमारा पैसा है लगभग, ये क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइन है, यानी कि हम पैसा खुल के बता नहीं सकते, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हैं। ये देख सकते हैं एक, ये गड्डियाँ जो है, गड्डियाँ देख करके आप समझ सकते हैं, ये गड्डियाँ देख करके आप समझ सकते हैं कि ये लगभग कितना पैसा रहा होगा। बाबू बाबू क्या है, पैसा दोगे? और देखो मेरी बेटी दिखा रही है पैसे, अब तुम भी, तुम्हारे, तुम लोग पैसे, ये देखो ये बच्चे पैसों को पता नहीं क्या समझ रहा है, ये छोटे छोटे बच्चे पैसे की जिंदगी में हमने पहली बार इतना पैसा देखा है, इससे पहले कभी हमने इतना पैसा नहीं देखा। और दोस्तों हम आपको बता दें, हम बहुत ही छोटे परिवार से, बहुत ही गरीब घर से हैं, कभी भी हमने इतना पैसा एक साथ नहीं देखा, जितना कि पैसा हमें पहली बार मिला है, वो भी सब हम बार बार आपको धन्यवाद देते, आपने इतना प्यार सपोर्ट दिया हमें। दोस्तों आशा करते हैं कि आप हमें इसी प्रकार से ज़िंदगी भर प्यार और सपोर्ट अपना बनाए रखेंगे। हम निरंतर कोशिश करते रहते हैं नए नए कंटेंट अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाने की। तो सगुन कुछ कहना चाहेंगे आप? लोग मजाक बनाते थे। हाँ देखो बता दें, हमें लोग हमारी मजाक बनाते थे दोस्तों, लोग मजाक बनाते थे, कहीं पे जाते थे। हाँ मजाक बनाते थे ना, कहाँ क्या कर रहा है तेरा पति, क्या कर रहा है, और मजाक बनाते थे, मतलब ये कहते थे इतने सारे बच्चे कर लिए कैसे पालोगे, कैसे पालोगे, खुद ही पालोगे, खुद ही पालोगे,
खुद खाने के लिए पैसे नहीं, पर इतना है कि हाँ जो हाँ, दोस्तों आपको बता रहा है वो कभी भूखा नहीं सुलाता। दोस्तों इनका ये कहना है कि ईश्वर सबको भूखा तो जगाता है पर खाली पेट किसी को सुलाता नहीं है। इसी प्रकार का नज़ारा कुछ हमारे साथ रहा है। लोग हमारी मजाक बनाते थे कि इतने सारे बच्चे आपने पैदा कर लिए हैं। दोस्तों मेरे 5 बच्चे हैं, 3 बेटा और 2 बेटियां। मजाक बनाते थे इतने बच्चे पैदा कर लिए, लेकिन इन्हें कहाँ से खिलाओगे, कहाँ से इन्हें पढ़ाओगे। तो मैंने कहा था मैं इतनी मेहनत करूँगा कि बिल्कुल एहसास नहीं होने दूंगा। मेरी पत्नी से मैं कहता था, पूरी रात बैठे बैठे डरती रहती हैं, घर में अकेली रहती हैं तो डरती रहती हैं। हमारे परिवार में हम सिर्फ 2 ही लोग हैं बड़े, बाकी सब छोटे छोटे बच्चे हैं। बड़े बेटे से मैंने आपको मिलाया था, बराबर में बैठा है, और ये अभी पढ़ाई कर रहा है ये, और ये इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर रील्स भी बनाता है इसके अलावा में। तो दोस्तों अभी हम देखिए बहुत सारा सामान लेके आए बच्चों को खिलाने के लिए, तो हमने कहा कुछ एक छोटी सी पार्टी हो जाए, तो देखते हैं क्या क्या सामान है। उदय निकाल के लाओ क्या क्या सामान लेके आए हो तुम। अभी पहली दफे जिंदगी में इतना सामान आया है, विश्वास नहीं हो रहा। पैसा भी हुआ है और देखो और सामान ही हुआ था। तो दोस्तों ये देखिए अभी हम लाए ये समोसे, क्या है ये समोसे, और ये आ गया खरबूज, और क्या क्या है ये रहे रसगुल्ले। रसगुल्ले खाएंगे, हमने कभी नहीं खाए, पहली बार खाएंगे दोस्तों, काफी देर से खाए नहीं है। और ये देखिए ये है केले, ये रहे हमारे केले, बनाना भी खिलाएंगे ये भी बच्चों को। तो मैंने सोचा कि क्यों ना, इतना हमें पैसा भगवान ने दिया है, आप सबने हमें सपोर्ट किया और आपने हमें इतना पैसा दिया है, तो क्यों ना बच्चों के साथ सेलिब्रेशन किया जाए। तो अभी हमें सभी बच्चों के लिए, और देखिए एक हम ये कोल्ड ड्रिंक भी लेके आए, स्प्राइट। दोस्तों हम कोल्ड ड्रिंक कभी नहीं पी पाते हैं, पैसा ही नहीं होता इतना कि हम कोल्ड ड्रिंक पी पाएं, लेकिन आज जब हमें पेमेंट मिला है तो हमें कोल्ड ड्रिंक भी लेकर आए हैं। और ये देखिए पेमेंट के हाथ में, आप देख पा रहे हैं, लगा सकते हैं कितना पेमेंट ये होगा लगभग। तो ये पेमेंट हमें यूट्यूब की तरफ से मिला है, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों अभी मैंने आपको अपने परिवार से मिलाया, अपनी पत्नी बच्चों से मिलाया, यूट्यूब पर कितना पेमेंट आया वो मैंने आपको एक अंदाजे से बताया कि मैं लगभग एक स्प्लेंडर बाइक खरीद सकता हूँ, और उसमें साल भर का तेल भी उसमें भरवा सकता हूँ, और इतना पैसा मुझे अभी यूट्यूब ने मुझे दिया है। तो इस हिसाब से आप लगा सकते हैं कितना पैसा आया होगा। तो दोस्तों और आज जो पार्टी है हमारे घर पे होगी, छोटी सी पार्टी होगी, हमारे लिए तो पार्टी है दोस्तों, गरीब लोग हैं इसलिए। तो दोस्तों इसके लिए आप भी आ सकते हैं, हमारी पार्टी में शामिल हो जाएं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये छोटा सा वीडियो और हमारे परिवार के साथ। तो दोस्तों सभी भाई देखिए हमारी बेटी क्या खा रही है बेटा, देखो ये केला खा रही है। इन्हें काफ़ी दिनों से केला देखने को भी नहीं मिला है दोस्तों, ये गरीब बच्चे, गरीब लोग हैं हम, तो केला हमें देखने को भी नहीं मिला है। अभी बेचारे खा रहे हैं, बहुत खुश हैं। बेटा केला खा रही हो, बोलो केला के ये बोलो बोलो भगवान जी की ये। तो दोस्तों वो देखो श्याम बाबा की जय। तो दोस्तों बाबा श्याम की कृपा से इतना हमें सब कुछ मिला, आप लोगों के सपोर्ट के प्यार की वजह से। आशा करता हूँ आप निरंतर इसी प्रकार से अपना प्यार और सपोर्ट इसी प्रकार से हम पर बनाए रखेंगे। दोस्तों मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।